अकबर और बीरबल की कहानियों में से एक कहानी लेकर आया हूँ। सबकी सोच एक जैसी। दरबार की कार्यवाही चल रही थी। सभी दरबारी एक ऐसे प्रश्न पर विचार कर रहे थे जो राजकाज चलाने की दृष्टि से बेहद अहम न था। सभी एक एक कर अपनी राय दे रहे थे। बादशाह दरबार में बैठे हुए यह महसूस कर रहे थे कि सबकी राय अलग है। उन्हें आश्चर्य हुआ कि सभी एक जैसे क्यों नहीं सोचते। तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं, सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? तब बादशाह अकबर ने बीरबल से पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि लोगों की राय आपस में मिलती क्यों नहीं, सब अलग अलग क्यों सोचते हैं? हमेशा ऐसा नहीं होता, बादशाह सलामत। बीरबल बोला, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जिन पर सभी के विचार समान होते हैं। इसके बाद कुछ और काम निपटा कर दरबार की कार्यवाही समाप्त हो गई। सभी अपने अपने घरों को लौट चले। उसी शाम जब बीरबल और बादशाह अकबर बाग में टहल रहे थे तो बादशाह ने फिर वही राग छेड़ दिया और बीरबल से बहस करने लगे। तब बीरबल बाग के ही एक कोने की ओर उंगली से संकेत करता हुआ बोला, वहां उस पेड़ के निकट एक कुआं है, वहां चलिए। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको समझा सकूं कि जब कोई समस्या जनता से जुड़ी हो तो सभी एक जैसा ही सोचते हैं। मेरे कहने का मतलब यह है कि बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनको लेकर लोगों के विचार एक जैसे होते हैं। बादशाह अकबर ने कुछ देर कुएं की ओर घूरा, फिर बोले, लेकिन मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे समझाने का ढंग कुछ अजीब सा है। बादशाह जबकि जानते थे कि बीरबल अपनी बात सिद्ध करने के लिए ऐसे ही प्रयोग करता रहता है। सब समझ जाएंगे हुजूर, बीरबल बोला, आप शाही फरमान जारी कराएं कि नगर के हर घर से एक लोटा दूध लाकर बाग में स्थित एक कुएं में डाला जाए। दिन पूर्णमासी का होगा। हमारा नगर बहुत बड़ा है। यदि हर घर से एक लोटा दूध इस कुएं में पड़ेगा तो यह दूध से भर जाएगा। बीरबल की यह बात सुनकर बादशाह अकबर ठहाका लगाकर हंस पड़े। फिर भी उन्होंने बीरबल के कहे अनुसार फरमान जारी कर दिया। शहर भर में मुनादी करवा दी कि आने वाले पूर्णमासी के दिन हर घर से एक लोटा दूध लाकर शाही बाग के कुएं में डाला जाए। जो ऐसा नहीं करेगा उसे सजा मिलेगी। पूर्णमासी के दिन बाग के बाहर लोगों की कतार लग गई। इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि हर घर से कोई न कोई वहां से जरूर आए। सभी के हाथों में भरे हुए पात्र यानी बर्तन दिखाई दे रहे थे। बादशाह अकबर और बीरबल दूर बैठे हुए सब देख रहे थे और एक दूसरे को देख मुस्कुरा रहे थे। सांझ ढलने से पहले कुएं में दूध डालने का काम पूरा हो गया। हर घर से दूध लाकर कुएं में डाला गया था। जब सभी वहां से चले गए तो बादशाह अकबर और बीरबल ने कुएं के निकट जाकर अंदर झांका। कुआं मुंडर तक भरा हुआ था, लेकिन यह देखकर बादशाह अकबर को बेहद हैरानी हुई कि कुएं में दूध नहीं पानी भरा हुआ था। दूध का तो कहीं नामो निशान तक न था। हैरानी भरी निगाहों से बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए पूछा, ऐसा क्यों हुआ? शाही फरमान तो कुएं में दूध डालने का जारी हुआ था, यह पानी कहां से आया? लोगों ने दूध क्यों नहीं डाला? बीरबल एक जोरदार ठहाका लगाता हुआ बोला, यही तो मैं सिद्ध करना चाहता था हुजूर। मैंने कहा था आपसे कि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिस पर लोग एक जैसा सोचते हैं, और यह भी एक ऐसा ही मौका था। लोग कीमती दूध बर्बाद करने को तैयार न थे। वे जानते थे कि कुएं में दूध डालना व्यर्थ है, इससे उन्हें कुछ मिलने वाला नहीं था। इसलिए यह सोचकर कि किसी को क्या पता चलेगा, सभी पानी से भरे बर्तन ले आए और कुएं में उड़ेल दिया। नतीजा दूध के बजाय पानी से भर गया कुआं। बीरबल की यह चतुराई देख बादशाह अकबर ने उसकी पीठ थपथपाई। बीरबल ने सिद्ध कर दिया था कि कभी कभी लोग एक जैसा भी सोचते हैं। तो दोस्तों, यह कहानी यहीं समाप्त होती है। मुझे उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर जरूर कीजिएगा ताकि मैं और अगली कहानियां आपके लिए लेकर आऊं। जय श्री राम।